अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सबा अली और आफताब की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ हम निकल पड़े हैं सऊदी रियाद के लिए बाय रोड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं बू समरा बॉर्डर कतर। हम घर से निकले थे अराउंड 3 o'clock और यहाँ पहुँचने में हमें 4:30 हो गए थे। वी स्टार्टेड आवर जर्नी एट 3 o'clock फ्रॉम ओल्ड एयरपोर्ट रोड एंड रीच्ड बू समरा बॉर्डर एट 4:30। और ये है कतर बॉर्डर जहाँ पे अभी इमिग्रेशन चेक होगा। सो दोज ऑफ यू आर क्यूरियस टू नो कि हमारे पास वीज़ा कौन सी है, तो हमने जो 1 year की जो मल्टी एंट्री वीज़ा होती है फॉर कतर रेसिडेंस वो हमने करवाई है। एंड बाई रोड हमने अभी फर्स्ट टाइम इसे ट्रैवल कर रहे हैं। सो वॉट एवर इज़ आर एक्सपीरियंस वी आर गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ से हमको कार स्लिप एक पेपर मिला था, फिर आगे चल के यहाँ स्कैन करना था जिससे ये चेक पॉइंट ओपन होता है एंड आप आगे जा सकते हो। नाउ एट दिस चेक पॉइंट आपका एग्जिट स्टैम्प लगेगा कतर में, बस बिकॉज वी आर कतर रेसिडेंट यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एग्जिट होने। मेन इज़ दिस, दिस इज़ सऊदी बॉर्डर। यहाँ बहुत अच्छे से ये बना हुआ है, वहाँ पे लिख के आ रहा था वेलकम टू सऊदी अरेबिया एंड बहुत अच्छा लगा। बट द जो चीज़ हमें पसंद नहीं आई होता है कि यहाँ टाइम बहुत जाता है, बिकॉज एज वी आर फर्स्ट टाइम विजिटर टू सऊदी अरेबिया बाय रोड यहाँ पे चेकिंग के लिए काफ़ी टाइम गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे क्यू भी बहुत ज़्यादा थी। टू आप लोग के नॉलेज के लिए आपको बता दूँ कि हम लोग थर्सडे के दिन निकले थे, तो इट वॉज़ एन वीकेंड, सो उस हिसाब से रश बहुत ज़्यादा था। यहाँ इमिग्रेशन चेक होकर हमारा जो वी रीच एट सऊदी बॉर्डर अराउंड 6:30 और वहाँ निकलने तक हमको 7:38 हो चुका था। जगह जगह पे इनफ पेट्रोल पंप्स है तो हमें जब जब ज़रूरत थी हमने वहाँ पे हॉल्ट लिया। वेदर कंडीशन ख़राब होने की वजह से बहुत सारी बारिश थी तो हमने हॉल्ट ले लिया था। तो हमने रात को 1 बजे हम रियाद पहुँच गए थे एंड दिस इज़ नेक्स्ट डे आफ्टरनून में हम जुमान पढ़ने के लिए निकले थे। ये तभी का है, दिस इज़ अ मॉस्क इन रियाद। तो यहाँ हमने जुमा पढ़ी और इसके आगे का व्लॉग हम कहाँ कहाँ विजिट किए वो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, लाइक एंड डू सब्सक्राइब एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस डू लेट अस नो। जस्ट अ सजेशन कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो बाय रोड तो आप डे लाइट में निकलिए सो दैट यू रीच योर डेस्टिनेशन इन डे लाइट। और सेकेंड थिंग ये वेदर फोरकास्ट देख के निकलिए जो हमने नहीं देखा था एंड जिस वजह से हमें बहुत लंबा हॉल्ट लेना पड़ा था काफ़ी बारिश के वजह से। हम रियाद में हमारी फैमिली है वहाँ पे, तो उनके यहाँ हमने विजिट किया था एंड आगे हम रियाद में कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर किए कहाँ थे। इट वाज़ ओनली अ डेज ट्रिप, तो जो भी है आई अपडेट यू सून। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।